हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक्स। और आज की वीडियो में मैं आपको घुमाने लेके आई हूँ प्राग, जो कि है चेक रिपब्लिक, जो कंट्री है उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल सी सिटी। तो मैं तो ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ प्राग और इसके बाद मैं लेके जाने वाली हूँ आप सबको मेरे साथ घुमाने के लिए। तो वैसे अभी ईस्टर वीकेंड है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे कुछ दोस्तों के साथ और हम कुछ 3-4 दिनों के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। अलग अलग चीज़ें, फूड एंड मेन हिस्टोरिकल स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आई होप आपको भी देख के मजा आएगा। और अब मैं हूँ एग्जैक्टली मेरे होटल के बाहर। तो ये वो होटल है ग्रैंडियम प्राग जहाँ पे हम रहने वाले हैं। तो वैसे मैं पिछले बार भी जब यहाँ पे आई थी तो मैं इसी होटल में रुकी थी क्योंकि ये है परफेक्ट लोकेशन पे, क्योंकि जो प्राग का जो स्टेशन है वो हार्डली यहाँ से 2-3 मिनट वॉक पे है। और जो वेंसेस्ला स्क्वायर, जो यहाँ का बहुत बड़ा स्क्वायर है न्यू टाउन प्राग में, ये हार्डली 2 मिनट्स यहाँ पे वॉकिंग है, जहाँ पे सारे नाइट क्लब्स है, शॉपिंग ऑप्शंस है, प्लस आप ओल्ड टाउन जो है यहाँ से हार्डली ओल्ड टाउन है 5-8 मिनट्स वॉकिंग पे। तो आप एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, चार्ल्स ब्रिज, वहाँ पे भी आप आसानी से वॉकिंग पहुँच सकते हो। अभी चेक इन करते हैं, उसके बाद चलते हैं वेंसेस्ला स्क्वायर और उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं ओल्ड टाउन एरिया। और ये है वेंसेस्ला स्क्वायर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि यहाँ का एक बहुत बड़ा सा एक स्क्वायर है जहाँ पे सारी दोनों साइड से शॉप्स है। यहाँ पे एक मेन मॉन्यूमेंट है, तो मोस्टली जो प्राग में डेमोन्स्ट्रेशंस होती है, गैदरिंग्स होती है, ये वो जगह है जहाँ पे ये सारा होता है। लगा लो इंडिया गेट की तरह है, जैसे इंडिया में इंडिया गेट है वैसे प्राग का ये मेन स्क्वायर है। और दोनों तरफ से आप देख रहे होंगे सारी शॉप्स है एंड प्लस यहाँ पे बार्स, रेस्टोरेंट्स, ये भी सारी चीज़ें हैं अंदर की गलियों में। एंड ऐसे ही अगर आप सीधे जाओगे पीछे पूरे ऐसे रोड से तो डायरेक्टली आप पहुँच जाते हो ओल्ड टाउन प्राग में। और प्राग जब आप आते हो तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे प्राग में जो करेंसी यूज़ होती है वो है चेक रोना। तो आप जब भी प्राग में आते हो, फॉर दैट मैटर चेक रिपब्लिक में आते हो, तो आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करनी है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेगी। जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे जो शॉप है उसके ऊपर लिखा रहता है नो कमीशन, बेस्ट एक्सचेंज रेट। बट आपने कहीं पे भी करेंसी एक्सचेंज करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है, आपने चेक करना है कि एक्चुअल में रेट क्या चल रहा है। तो गूगल आप कर लो कि क्या रेट चल रहा है, उसके बाद एटलीस्ट 2-3 जगहों पे चेक करो, मिनिमम 2-3 जगहों पे चेक करो कि क्या करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफर हो रहा है, फिर जाके एक्सचेंज करो। क्योंकि बहुत जगहों पे कम एक्सचेंज रेट देते हैं और कम अमाउंट आपको मिलती है एंड ऑफ द डे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है चेक करना। दूसरी चीज़, आपको प्राग में बहुत सारे लोग दिखेंगे ऐसे रोड पे, एटीएम या एक्सचेंज के जो शॉप्स होते हैं उसके आसपास, जहाँ पे वो लोग कहेंगे कि हम आपको बेस्ट रेट देंगे, आप हमारे से करेंसी एक्सचेंज करो। तो उन लोगों के पास प्लीज़ करेंसी मत एक्सचेंज करना, क्योंकि वो आपको इन रिटर्न फेक नोट्स भी दे सकते हैं। तो ये कुछ स्कैम्स है जो कि प्राग में बहुत फेमस है कि लोग ऐसे टूरिस्ट जो है उनको फंसाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। और जो इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है कि आप जब यहाँ पे करेंसी विड्रॉ करते हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारी एटीएम मशीन्स आपको दिखेंगी, वहाँ पे आप अगर चेक करो ना विड्रॉ करते हो, तो ना उन एटीएम मशीन्स के आसपास आपको यहाँ के लोकल लोग हैं या जो स्कैमर्स हैं वो होते हैं, जो बोलते हैं कि हम आपको 100-100 की नोट या 500 की जो है ऐसे देते हैं, इंस्टेड ऑफ आपको अगर 2000 नहीं यूज़ करनी तो हम आपको खुले दे देते हैं अमाउंट। तो उनसे भी प्लीज़ आप ऐसे खुले पैसे मत लेना, क्योंकि वो भी आपको फेक करेंसी दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जिनके बारे में आपने ध्यान रखना है, क्योंकि टूरिस्ट आता है इस चक्कर में कि चलो अच्छा रेट मिल रहा है, ये बंदा कह रहा है तो हम ले लेते हैं, बट वो फेक करेंसी भी निकल सकती है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। और अभी हम जा रहे हैं प्राग का टूर लेने। तो बेसिकली हमने ना एक ट्रिप बुक करी है जो कि वॉकिंग टूर है, तो ये हमने करी है सांडे मान से। तो इनका क्या होता है, ऐसा कोई फ़ी नहीं है, इसे कहते हैं फ्री वॉकिंग टूर। तो उसमें 2-3 घंटे में वो आपको सारे मेन जो प्राग के टूरिस्टिक स्पॉट्स है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो दिखाते हैं, एंड एंड ऑफ द टूर आप जो गाइड है उनको टिप कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि प्राग एक छोटी सी जगह है, तो इट्स वेरी इजी कि आप आराम से यहाँ पे वॉकिंग घूम सकते हो, सारी मेन जगहें देख सकते हैं। तो अभी बस हम पहुँच ही रहे हैं प्राग के ओल्ड टाउन स्क्वायर में, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है और वो एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे हम मिलने वाले हैं हमारे टूर गाइड को। तो अभी चलते हैं उस तरफ और शुरू करते हैं हमारी वॉकिंग टूर। So these guys
guys, the Hussites, yeah, they fought two major wars against the Catholics. They helped shape the history of this country. But nowadays, not super important. It's actually religion. और प्राग ओल्ड टाउन स्क्वायर जो है वो एक बहुत ही मेन टूरिस्टिक स्पॉट है, जहाँ पे बहुत सारी प्राग की टूर स्टार्ट होती है, प्लस आपको टंगा राइड लेने की भी ऑप्शन है, जैसे आप पीछे देख सकते हो। और अभी तो यहाँ पे भीड़ आपको दिखेगी क्योंकि अभी ईस्टर टाइम है, और ईस्टर टाइम पे स्पेसिफिकली यहाँ पे एक ऐसी मार्केट लगती है जहाँ पे खाने के शॉपिंग के ऑप्शन होते हैं। अभी तो यहाँ पे भीड़ है, बट जनरली ये स्क्वायर खाली होता है। मैं जब यहाँ पे पिछली बार आई थी तो आपको लगता है कि ये एकदम बहुत बड़ा स्क्वायर है, वैसे ही जैसे यूरोपियन की बहुत सारी जो सिटीज होती है, कंट्रीज होती है, वहाँ पे ऐसे होता है कि एक बहुत बड़ा स्क्वायर होता है, वहाँ पे चर्च है, टाउन हॉल है, ऐसा ही कुछ इसका भी आर्किटेक्चर है। और प्राग का जो ओल्ड टाउन स्क्वायर है उसी के पास हमेशा कुछ शॉप्स होती है जहाँ पे मिलती है आपको कुछ लोकल चीज़ें, जैसे कि ओल्ड प्राग हैम। तो आप देखो यहाँ पे ये हैम ऐसे यहाँ पे बन रहा है, प्लस यहाँ पे लंगोज भी मिलता है और कुछ बाकी शॉपिंग के ऑप्शंस और सोवेनियर्स भी है आगे। और प्राग का जो ओल्ड टाउन एरिया है उसी के कॉर्नर पे है यहाँ का बहुत फेमस चर्च। तो अभी हम भी अंदर जाते हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है बाहर से, और आपको भी दिखाती हूँ अंदर से कैसे दिख रहा है। प्राग तो आप वॉकिंग एक्सप्लोर कर सकते हो, बट इसके अलावा भी इसको एक्सप्लोर करने का एक बहुत फेमस तरीका है, और वो है विंटेज कार्स में। तो पीछे आप मेरी जो देख रहे हो विंटेज कार, उसमें अगर आपको टूर लेना है प्राग का 1 आवर के लिए, तो समवेयर अराउंड प्राइस है 100 यूरोस। और एक फेमस चीज जो प्राग में है और वो है कैंडीज। तो प्राग ओल्ड टाउन तो हमने देख लिया, वहाँ पे है सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और अभी टूर करते हुए हम पहुँचे हैं न्यू प्राग में। और इसे न्यू प्राग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा स्क्वायर है जिसके दोनों तरफ बहुत सारे शॉपिंग ब्रांड्स हैं। तो आपको यूरोप के जितने भी शॉपिंग ब्रांड्स हैं वो तो यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, बट आप जब यहाँ पे पहली बार आते हो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बाटा की शॉप है। तो आपको लगेगा कि अरे इंडियन ब्रांड बाटा की दुकान प्राग में भी है। तो एक फैक्ट बताती हूँ, ये जो बाटा ब्रांड है ये चेक ब्रांड है, चेक रिपब्लिक का ब्रांड है, ये इंडियन ब्रांड नहीं है। हमें भी एकदम सरप्राइजिंग लगा था कि अरे ये बाटा की दुकान यहाँ कैसे, बट फिर बाद में हमारे टूर गाइड ने हमें बताया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको भी लगेगी जब आप यहाँ पे आओगे। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट। और अभी हम जिस जगह पे आए हैं इसे कहते हैं काफ्का हेड। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्रांस काफ्का है उनके हेड के एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वो जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे वो सारे ऐसे अलग अलग पीसेस है, वो रोटेट होते हैं और उनका एक फेस बनता है। 15 मिनट्स के लिए ये रोटेट होता है एवरी आवर। तो ये भी एक बहुत ही एक फेमस स्पॉट है, जो प्राग आते हैं तो ये जगह भी आते हैं क्योंकि ये एक बहुत सही एक नई चीज़ लगती है देखने के लिए। और प्राग में एक जो बहुत फेमस चीज़ है वो है ट्रिडलिंग। तो इसे कहते हैं ट्रिडलिंग, जो कि एक बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं पेस्ट्री है जिसे बेक किया जाता है। आप पीछे देख सकते हो ऐसे आपको बहुत जगहों पे काउंटर्स दिखेंगे जहाँ पे ट्रिडलिंग मिल रहा है। इसके अंदर ये कोन की तरह बोल सकते हो आप, ये ऐसे पेस्ट्री की तरह है। अभी तो मैंने इसके अंदर व्हिप्ड क्रीम और स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट ये फिलिंग डलवाई है, तो ये जरूर ट्राई करना। और इसकी जो प्राइस है ये समवेयर अराउंड 5 से 7 यूरो पे वेरी करती है, डिपेंडिंग आप कौन सी फिलिंग डलवाते हो और कैसे टॉपिंग्स डलवाते हो। Yes.
और रात हो चुकी है तो सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं प्राग की नाइट लाइफ, क्योंकि प्राग इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी बैचलरेट करने के लिए या फॉर दैट मैटर वीकेंड को पार्टी करने के लिए भी प्राग को प्रेफर करते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं यंगस्टर्स एंड ऑल्सो विद फैमिलीज। बहुत सारे जो यंगस्टर्स है ये क्लब हॉपिंग का भी ऑप्शन चूज करते हैं या बोट पार्टीज भी होती है, ये सारे ऑप्शन भी है। बहुत सारे यहाँ पे पब्स है, बार्स है, ये सारे ऑप्शन भी है। तो हमने सोचा हम भी थोड़ा चलते हैं बाहर, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। एंड आपने सुना होगा प्राग में बियर बहुत सस्ती है, एंड ये सच है, जर्मनी से भी ज़्यादा प्राग में बियर सस्ती है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि ये प्राग में पार्टी करना प्रेफर करते हैं लोग। तो हम भी देखते हैं क्या यहाँ पे ऑप्शन है एंड एक्सप्लोर करते हैं प्राग की नाइट लाइफ। चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। दिस इज द लॉबी एरिया और ये बहुत बड़ी लंबी लाइन है ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो आज का प्लान ये है कि हम निकले हैं प्राग कासल जाने के लिए और अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर और ये एक स्टेशन है म्यूजियम जो कि हमारे होटल के पास है और यहाँ से हम जाने वाले हैं प्राग कासल के पास के एक स्टेशन पे और उसके बाद इधर बस लेंगे या वॉकिंग जाएंगे, वो वहाँ पे पहुँचने के बाद ही पता लगेगा क्योंकि गूगल पे तो दिख नहीं रहा है कि अगर वहाँ पे बस कनेक्टिविटी है या नहीं। तो चलो अभी हमारी ट्रेन आने वाली है 1-2 मिनट में, तो जल्दी से पहुँचते हैं स्टेशन पे। और अभी हम पहुंचे हैं प्राग कासल के बहुत ही पास। कासल नहीं पहुंचे क्योंकि वो थोड़ा ऊपर की तरफ है और वहां पे जाने के लिए इधर आप ट्रैम ले सकते हैं या फिर वॉकिंग भी जा सकते हैं। और अभी मैं रुकी हूँ ट्रैम के लिए, जो 22 नंबर ट्रैम है वो हार्डली 2 मिनट में ऊपर लेके जाएगी या फिर वॉकिंग भी जा सकते हैं, उसके लिए कुछ 5-6 मिनट की वॉक करनी होगी। तो हमारी ट्रैम आ गई है, चलते अभी। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं कासल के अंदर और ये है द फेमस प्राग कासल। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। जो भी प्राग आता है वो यहाँ पे तो आता ही है क्योंकि दिस इज़ लाइक जैसे इंडिया में आके लोग ताजमहल जाते हैं ना, वैसे चेक रिपब्लिक आके जब कोई प्राग आता है वो प्राग कासल आता है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, वैसे आप इसके अंदर भी जा सकते हैं और अभी यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है। हम भी यहाँ पे लाइन में रुकेंगे और फिर अंदर जाके आपको नज़ारे दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे दिखता है। प्राग में सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी देख लिए, सारे टूरिस्टिक लैंडमार्क्स भी देख लिए और अब मैं आई हूँ प्राग में मेरे सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट में जिसका नाम है मरीना रेस्टोरेंटे। तो ये एक इटालियन रेस्टोरेंट है बट यहाँ से जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये एक रिवर साइड रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको रिवर में जो शिप चल रही है वो आप देख सकते हो, प्लस आपको प्राग कासल का भी व्यू दिखता है एंड यहाँ पे अंदर का जो एम्बियंस है वो भी बहुत ही बढ़िया है।
एक चीज कोई भी इंडियन जब बाहर रहता है वो मिस करता है, वो है इंडियन देसी खाना। तो आज हमने सोचा चलो इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं और कुछ अपना इंडियन देसी फूड खाते हैं। तो अभी मैं आई हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है संगम इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि एक प्राग का बहुत ही फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है। तो आपको भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कैसा है ये अंदर से और क्या क्या मिलता है यहाँ पे। पहुंच चुके हैं हम वापस अपने घर फ्रैंकफर्ट। और मेरा जो ट्रिप का एक्सपीरियंस था हम सारे दोस्तों का बहुत ही मज़ेदार रहा और मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग करने की और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। आई होप आपको पसंद आई हो। और वीडियो बंद करने से पहले मैं कुछ शेयर करूंगी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रैवल एंड कॉस्ट। तो मुझे जो ट्रैवल ड्यूरेशन लगा वो समवेयर अराउंड 7 to 8 hours था वाया ट्रेन। तो मैं गई थी फ्रैंकफर्ट से प्राग वाया ट्रेन, तो दिस इज़ द टाइम ड्यूरेशन। जनरली अगेन डिपेंड करता है आप कौन सी कनेक्शन लेते हो और कितनी चेंजेस के साथ आपकी ट्रेन है, उसके हिसाब से टाइम वेरी कर सकता है। एंड कॉस्ट की अगर बात करूँ तो आई वुड से कि प्राग इज़ वेरी रीजनेबल कंपेयर टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो जो प्राइस होटल के लिए हो या फिर ईटिंग आउट इन रेस्टोरेंट्स, दैट इज़ मोर रीजनेबल कंपेयर टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। तो आपके हिसाब से चेक कर सकते हो आपको कौन से प्रेफरेंसेस है और इसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कौन से होटल में रहना या कौन से रेस्टोरेंट्स में डाइन इन करना। और मैं नीचे लिंक में शेयर करूँगी होटल्स के नाम भी जहाँ पे मैंने डाइन इन किया है और जिस होटल में मैं रही हूँ, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी के लिए तो घर जाना है, बहुत थक गए हैं, दोपहर से निकले हैं और अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं, तो 8 to 9 hours लग गए क्योंकि हमारी ट्रेन डिले हो गई थी, तो उस चक्कर में बड़ा लेट हो गया। तो अभी टाइम है वापस घर जाने का एंड मिलती हूँ मैं आपको हमारी अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना और आपके चैनल फॉरेन की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, आउफ विदर्स इन।